सुबह के बज गए हैं 7:47 और अब ऑफिस जाने का टाइम आ चुका है दोस्तों। तो मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा क्योंकि पता है आपको गोवा में खाना कितना महंगा है। अगर आप खुद से नहीं बनाओगे तो इतनी कम सैलरी में आ रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं बिहार से हूँ और 2016 में SSC LDC के थ्रू सिलेक्शन हुआ मेरा पासपोर्ट ऑफिस में, और तब से मैं गोवा में पोस्टेड हूँ। तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं और आपके रैंक अच्छे नहीं आ रहे तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, और जैसा कि आपको पता है कि अब ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल होता है, ट्रांसफ़र लगभग ना के बराबर ही है। तो आप लोग मेहनत अच्छे से करें अगर घर के पास में रहना है तो, क्योंकि घर के पास रहने के लिए आपको अच्छा रैंक लाना पड़ता है। अब ये भी है भाई कि सब लोग अच्छा रैंक लाएंगे तो दूर कौन जाएगा, तो भाई यही है लाइफ, किसी का दूर होगा किसी का नज़दीक होगा, और अपनी अपनी काबिलियत है। कुछ लोग बचपन से स्कॉलर होते हैं, कुछ लोग बाद में बन जाते हैं, कुछ लोग कितना ही मेहनत कर लें फिर भी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि आपको जो चाहिए वो तुरंत मिल जाए, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है दोस्तों कुल मिला के। तो सुबह सुबह सबसे ज़्यादा बोरिंग है लहसुन छिलना। लहसुन छिलना मतलब इसमें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, बाकी तो कर लेता हूँ पर लहसुन छिलना मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और खाना बनाना तो ठीक है, नहीं बनाओगे तो खाओगे क्या, बनाना तो पड़ेगा ही है। और जैसा कि बता दूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरी वाइफ इंडियन बैंक में क्लर्क है, वो भी बैंगलोर हसन में पोस्टेड है, और हमारी शादी को लगभग 1.5 साल हो चुके हैं फिर भी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तो ये ज़िंदगी अकेले ही काटनी पड़ रही है। तो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि नौकरी लग गई फिर शादी कर लेंगे, बहुत लोग हम लोग में से ये भी सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से शादी कर लेंगे, दोनों मिलके अच्छा कर लेंगे, दोनों की सैलरी से हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये इतना इजी नहीं है जितना इजी लगता है आपको, कि शादी हो गई, वाइफ भी जॉब पे, तुम भी जॉब पे, और सब सपने पूरे हो जाएंगे। पहली बात है, देखो ट्रांसफ़र में बहुत दिक्कत है आजकल, तुम कहीं भी हो तुम्हें लगता है कि हम शादी कर लेंगे गवर्नमेंट जॉब में स्पाउस बेसिस पे ट्रांसफ़र मिल जाएगा, पर ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए भी बहुत बहुत मुश्किल है। उसमें बार बार फॉलो अप करना पड़ता है, बार बार लोग बोलते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाएगा हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम लोग भी कब से, लगभग लास्ट अगस्त में ट्रांसफ़र के लिए मेरी वाइफ ने अप्लाई किया था और अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ से गोवा से बैंगलोर जाना लगता है जैसे पास में ये नेक्स्ट स्टेट तो है कि तुरंत चले जाएंगे, पर यहाँ से जाने में मुझे 15 घंटे लगते हैं, या उसे आने में 15 घंटे लगते हैं। ट्रेन की टाइमिंग भी वैसी कि रात में जाओगे तो सुबह सुबह पहुँचोगे तो वहाँ पे फिर ऑफिस ज्वाइन करने में लेट हो जाता है, यहाँ उधर से आने में दिक्कत है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अब देखते हैं, आई होप तो ट्रांसफ़र हो जाए इस साल के अंत तक। मैं बहुत सच में बहुत परेशान हो गया हूँ, अकेले बोर हो गया हूँ, इतने दूर से आए हैं, उसके बाद शादी भी हो चुकी है फिर भी वाइफ के साथ नहीं रह सकते हैं, तो अब क्या करना है भाई, लगे हुए यही लाइफ है, करना ही पड़ेगा, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो मतलब तुम्हारे घर वाले, तुम जो सोचते हो कि यार मैंने गवर्नमेंट जॉब में, तुम्हारी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में, सब लोग सोचते हैं घर वाले रिलेटिव्स बाकी लोग भी कि हाँ बहुत अच्छा रहता है, दोनों लोग कमा रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत प्रॉब्लम होती है, झेलना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है तुम्हें शादी के बाद भी, तो ये सब चीज़ें होती हैं यार। तो चलो अब मैं खाना जल्दी से बना लूँ क्योंकि टाइम हो रहा है, 8 बजने वाले हैं, और उसके बाद फिर मुझे नहा के ऑफिस भी जाना है, यहाँ से ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, तो बस जल्दी से नाश्ता बनाता हूँ, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। ओके दोस्तों, बाय।